मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक पाठशाला। दोस्तों लेते हैं, इसमें क्या होता है, दिया गया है इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या करते हैं, एक बटे दो से गुणा दो से भाग करा देंगे, बनेगा टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स को ऐसे लिखा रहने देते हैं। वन बाय टू इंटीग्रेशन टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। टू साइन ए इंटू साइन बी का कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाता है इंटू साइन थ्री एक्स, ठीक है, इंटू साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या करते हैं, वन बाय टू ये बनेगा कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस, ये एड कर देंगे थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, ये बार होगा आपका डी एक्स। ये बनेगा वन बाय टू इंटीग्रेशन कॉस माइनस वाले एंगल चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं, चतुर्थ में कोसाइन का मान धनात्मक होता है, इसलिए कॉस का मान प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। इसमें साइन थ्री एक्स की मल्टीपल करा देंगे, ये बनेगा वन बाय टू इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, ये बनेगा साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा वन बाय टू। फिर से इसमें क्या करते हैं, दो से गुणा दो से भाग करा देते हैं, ये बनेगा वन बाय टू इंटू टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इसमें दो से गुणा दो से भाग करा देंगे टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स। क्या करते हैं इसमें, वन बाय टू, वन बाय टू कॉमन ले लेते हैं, बाहर आपका बन जाएगा वन बाय फोर, वन बाय फोर बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सपोज देट ए हो जाएगा बी हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है दोस्तों, ये होता है साइन ए प्लस बी यानी कि थ्री एक्स प्लस एक्स और प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस, इसका वन बाय टू बाहर हो गया है। ये लिखा हुआ है टू, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन टू, ये होता है, ठीक है। ये बन जाएगा साइन टू इंटू ए का मान है थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स, ठीक है। इसके बाद वन बाय फोर बाहर इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा साइन फोर एक्स प्लस साइन इधर बनेगा टू एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स इंटू थ्री एक्स। अब इस डीएक्स से मल्टीप्लाई करा करके तीनों फॉर्मुलों को अलग अलग कर देते हैं, ये बनेगा वन बाय फोर इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन टू एक्स इंटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन सिक्स एक्स इंटू डीएक्स साइन सिक्स एक्स इंटू डीएक्स। चलिए इसका समाकलन कर देते हैं। देखिए वन बाय फोर जो आपका दिया गया, इस फलन में भी, इस फलन में भी, इस फलन में, तीनों फलनों में इसे दिया गया। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ये आपका बनेगा वन बाय फोर, जैसा कि समाकलन आपको पता, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर, इसका फोर बाहर हो जाएगा जैसा कि हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया है, प्लस साइन का होता है माइनस का, इसलिए माइनस ही बना रहेगा। माइनस कॉस कितना दिया गया है, टू एक्स दिया गया, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और ये माइनस साइन का माइनस कॉस होता है इसलिए प्लस का हो जाएगा, प्लस कॉस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। इसमें वन बाय फोर से डिवाइडेशन करा देंगे, या हाँ वन बाय फोर से डिवाइडेड मल्टीपल करा देते हैं, वन बाय फोर से बनेगा माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन चार आठ प्लस ये बनेगा कॉस सिक्स एक्स अपॉन फोर अच्छा ट्वेंटी फोर प्लस सी, ये होगा आपका क्लियर आंसर। क्लियर दिया गया है सेवन नंबर में इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या करते हैं, वही प्रक्रिया करेंगे, इसमें दो से गुणा दो से भाग, ये बन जाएगा टू साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, दिया गया है वन बाय टू, टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि फोर एक्स प्लस एट एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा वन बाय टू इंटीग्रेशन, ये आपका बन जाएगा माइनस कॉस फोर एक्स माइनस कॉस, ये आपका बनेगा ट्वेल्व एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें दोनों फलों को अलग अलग कर देते हैं, वन माइनस ए सॉरी दोनों फलों को अलग अलग कर देते हैं, इसका बनेगा वन बाय टू, इसमें भी डीएक्स आ जाएगा और डीएक्स इसके साथ, ये बनेगा कॉस फोर एक्स इंटू डी एक्स
माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x इंटू डी, देखिए इसका 4x माइनस का था, चतुर चतुर्थांश में कॉस का मान धनात्मक होता है इसलिए प्लस का हो जाएगा। इसका समाकलन कर देंगे 1 बाय 2, कॉस का समाकलन होता है साइन 4x अपॉन 4 माइनस इसका हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। इसमें क्या करते हैं 1 बाय 2 से मल्टीपल करा देते हैं, ये बन जाएगा 1 बाय 8 साइन 4x माइनस ये बन जाएगा 1 बाय 24 साइन 12x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका क्लियर। दिया गया है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इनटू डीएक्स। इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला खोल देंगे साइन वाला, जिसमें 1 1 कैंसिल हो जाए, इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे में 1 प्लस कॉस 2x का वो फॉर्मूला खोलेंगे बाई 2 वाला, जिसमें 1 1 कैंसिल हो जाए, जिसमें कॉस वाला फॉर्मूला खोल देंगे, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ओके dx हो जाएगा। इसमें 1 1 कैंसिल होगा, इसमें 1 1 कैंसिल होगा, ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इनटू dx, इसमें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos अपॉन sin tan स्क्वायर x बाई 2 इनटू dx। एक्चुअली tan स्क्वायर x बाई 2 का समाकलन नहीं होता इसलिए इसको sec में तोड़ देंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसमें दोनों फलों को अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। sec स्क्वायर x का समाकलन जैसा कि आपको पता है tan x बाई 2, एक्चुअली यहाँ पे x बाई 2 बाहर दिया गया इसलिए इसका समाकलन 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 1 का समाकलन x होता है प्लस c, ये इसमें 1 बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, क्लियर। 9 में दिया गया है इंटीग्रेशन, 9 में दिया गया है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसमें क्या करते हैं इसमें इसके न्यूमरेटर में cos x में 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, नीचे दिया गया है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x इनटू dx, इन दोनों फलों को अलग अलग कर देते हैं, ऊपर वाला बनेगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x इनटू dx, इसका 1 हो जाएगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इसमें क्या करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला तोड़ देंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इंटू dx। 1 का जैसा कि समाकलन आपको पता है x होता है, माइनस इसमें 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx, इस cos को ऊपर ले जाएंगे sec में बदल देंगे, ये बनेगा x माइनस 1 बाय 2 बाहर हो जाएगा, cos का ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx, ये बन जाएगा x माइनस 1 बाय 2 sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, क्योंकि x की जगह पे x बटा 2 दिया गया इसलिए x बटा 2 कर देंगे और इसका 1 बाय 2 बाहर हो जाएगा प्लस सी, 1 बाय 2 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बनेगा x माइनस tan x बाय 2 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा 9 का। नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन sin 4x इंटू dx, sin 4x इंटू dx में क्या करते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू dx, इसमें क्या करते हैं sin स्क्वायर x को तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है जैसा कि आपको पता है कि कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, क्योंकि a की जगह पे x दिया गया है इसलिए लिख देंगे कॉस 2 इंटू x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसमें इसको इधर ले लेंगे 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 और इस कॉस 2x को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसमें लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इंटू dx, ये इसमें क्या करते हैं इसमें अलग अलग इसको कर देंगे इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 4 इंटू dx, इसमें क्या करते हैं इस 4 को अलग अलग कर देंगे 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 बाई 4 इंटू 2 कॉस 2x इंटू dx, इसमें इसको इसको कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस इसका बनेगा 1 बाई 2 कॉस 2x इंटू dx। अब क्या करते हैं अब इसमें करते हैं कॉस स्क्वायर 2x को फिर से चेंज कर देते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है इसलिए कॉस स्क्वायर 2x को फिर से कॉस 2a वाले फॉर्मूले में तोड़ देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा cos 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
चूंकि x की जगह पे 2x दिया गया है इसलिए यहाँ पे 4x हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इसको इधर ले लेंगे ये बन जाएगा cos 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x। इस 2 को डिवाइडेशन में कर देंगे ये बन जाएगा cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर 2x। इस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू लगाएंगे cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x की ये वैल्यू लगा देंगे cos 4x प्लस 1/2 माइनस 1/2 cos 2x इनटू dx। अब इसमें क्या करते हैं इन तीनों फलनों को अलग अलग कर देते हैं ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/4 इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन इसका बनेगा 1/8 cos 4x प्लस 1 और इसका बनेगा माइनस इंटीग्रेशन 1/2 इनटू cos 2x इनटू dx। इसमें क्या करते हैं 1/4 बाहर कर देंगे इसका बनेगा 1 dx प्लस इसका 1/8 बाहर कर देंगे इसका बन जाएगा cos 4x इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर माइनस इसका 1/2 बाहर कर देंगे ये बन जाएगा cos 2x इनटू dx। अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं देखिए क्या बनेगा इसका बनेगा 1/4 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस 1/8 और इस cos 4x का समाकलन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस 1/2 इनटू cos 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। इसमें क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे x by 4 प्लस 1/8 4 जा 32 sin 4x प्लस एक्स माइनस इसका बनेगा 2 2 2 4 1/4 साइन 2x प्लस सी। ये होगा आपके 10 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर सो आई होप यू कैन वॉच एनी डाउट एनी प्रॉब्लम एनी मिस्टेक सो यू प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।